सर हमें रेस्टोरेंट ओपन करना था, उसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है कैसे रेस्टोरेंट ओपन होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, क्या होगा, तो जी आप थोड़ा हमें समझाएंगे कैसे चालू होगा बिजनेस बिल्कुल हमारा। आपको और बता सर दूंगा। हमें स्टॉल का बिजनेस स्टार्ट करना है रोड रोड पे। सर, हाँ रोड पे जो स्टॉल लगता है रोड पे उसका जो हमें बिजनेस स्टार्ट करना है। प्लस उसमें हमको ये जानकारी नहीं है सर कि इसमें कैसे क्या लोन वोन होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, तो इसके बारे में सर हमें फुल जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए किसी भी टाइप का अगर आप रेस्टोरेंट या स्टॉल से रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ भी आप करना चाहते हैं, तो सबसे पहला नंबर पॉइंट आपको ये देखना है उसका लोकेशन। जहां भी आप ओपन करें ये देखिए कि वहां का लोकेशन कैसा है, जी क्योंकि अच्छा लोकेशन रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा भीड़ आ सकता है। इसीलिए लोकेशन चुनने में सबसे पहले सावधानी बरतना है। तो लोकेशन कौन सा आप चुन सकते हैं, तो सबसे पहले हो गया आपका मेन मार्केट, जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग वैसे ही आएंगे। मेन मार्केट में अगर आपका लोकेशन रहेगा तो आपको मार्केटिंग में एक्स्ट्रा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। जी मैंने पब्लिक, मतलब मार्केटिंग देखना है इसमें कि मार्केट कहाँ पे सही जगह पे है। हाँ ठीक बिल्कुल, लोकेशन चुनना है, अच्छा लोकेशन रहेगा तो जी आपका मार्केटिंग का एक्सपेंसेस बचेगा। जी ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट ये हो गया कि जहां भी आप ओपन कर रहे हैं ये चीज आप ध्यान दीजिए कि उसका फ्रंटेज होना चाहिए। जैसे आप रेस्टोरेंट अगर आप ओपन कर रहे हैं तो उसका फ्रंट दिखना चाहिए, सामने का दुकान का फ्रंट ठीक हो। ठीक है तीसरी नंबर बात यह है कि लोकेशन में आप चाहें तो मार्केट के अलावा आप मॉल्स भी आप देख सकते हैं, रेलवे स्टेशन आप देख सकते हैं, बस स्टैंड आप चेक कर सकते हैं, या कुछ वैसा सोसाइटी का मोहल्ला हो गया जहां पर ठीक ठाक गैदरिंग है, तो आप उस टाइप के एरिया को भी आप चुन सकते हैं लोकेशन में। तो पहला नंबर पॉइंट हो गया लोकेशन देखना लोकेशन, पड़ेगा, मतलब बढ़िया जगह पे लोकेशन रहना चाहिए। बिल्कुल। जी तो फर्स्ट नंबर जी पॉइंट ये हो गया। जी दूसरा नंबर पॉइंट हो गया आपको कितना एरिया और स्पेस चाहिए। जी तो अगर आप रेस्टोरेंट ओपन करना चाह रहे हैं तो शुरुआती लेवल में आपका 200 से 250 स्क्वायर फीट मोर देन इनफ है, और अगर आप रोड साइड जी स्टॉल स्टॉल का लगाना जी चाहते हैं तो आपके लिए तो एक सिंपल सा कार्ट के लिए जगह चाहिए होता है, जो मिनिमम 100 स्क्वायर फीट से भी यानी काम 100 स्क्वायर फीट आपका में हो जाएगा काम। मोर देन जी इनफ है, जी जी उससे ज्यादा का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। ठीक है ठीक है सर, रेस्टोरेंट के लिए जैसे हमें क्या क्या आइटम लेना पड़ेंगे, मशीन वगैरह क्या क्या लेना पड़ेंगे उसके लिए। देखिए, तो रेस्टोरेंट में सबसे पहले डिपेंड करता है कि आप किस चीज का रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं। ठीक है अगर आप मान लीजिए कि सिर्फ डाइनिंग ओपन करना चाहते हैं, यानी कि जहाँ पे लोग आके बैठ के खाना खाएंगे, तो उसके लिए अलग मशीनरी लगता है, अलग उसके लिए स्पेस चाहिए होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ लोग आए और सामान लेके चले जाएं तो उसको हम लोग टेक अवे बोलते हैं, ठीक और एक है दूसरा होता है हमारा क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, छोटा क्यूएसआर उसको बोलते हैं, उसमें दोनों चीज काम करता है। ठीक है, छोटा सा स्पेस रहेगा, पब्लिक आएगी लेकर जाएगी। तो इसके लिए जो आपको मशीन लेना होगा, मशीन में बेसिकली होता क्या है, कुकिंग का जो भी आइटम बनाने के लिए जो बर्तन होते हैं वो आपको लेना पड़ेगा। सेम चीज जी, आपका मतलब सेम हमारा भी वही रहेगा कि उसमें कुछ अंतर पड़ेगा। अंतर पड़ेगा, क्योंकि जी रेस्टोरेंट है तो जाहिर सी बात है इनका बर्तन बड़ा होगा, इनका जी चूल्हा बड़ा हो सकता है, जी आपका छोटा रहेगा, जी लेकिन डिपेंड करेगा मेन्यू क्या है। तो इसीलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं एक बार मेन्यू पर भी, कि जैसे जो भी बर्तन हम डिसाइड करेंगे तो उससे पहले तो हमें तय करना होगा कि मेन्यू क्या हमें जी रखना चाहिए। तो सर किस टाइप का मेन्यू रखें हमारे, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे करें इसे। तो हमारे लिए सर इसमें क्या करना पड़ेगा, हमारे लिए भी कुछ मेनू अलग से कुछ चेंज करना पड़ेगा कि कैसे क्या रहेगा। बिल्कुल, अगर आप रोड साइड में काम करना चाहते हैं, जैसे आपका रोड साइड स्टॉल लगाने का इच्छा है, तो रोड साइड में स्टॉल में क्या चल रहा है उस मार्केट में वो आप देखिए। जैसे हो सकता है आपके यहाँ मोमो बड़ा अच्छा चल रहा होगा, चाउमीन बढ़िया चल रहा होगा, एग रोल अच्छा चल रहा होगा, तो आपको ये मेन्यू पहले दिमाग में रखना है, कहाँ पे बेच रहे हैं ये भी दिमाग में, ये चीजों को पॉइंट में रख के ही काम आपको स्टार्ट करना है। ठीक ठीक है, है दूसरा अगर आप रेस्टोरेंट की मेन्यू की बात करें तो रेस्टोरेंट में भी इन्हीं चीजों को ध्यान पे देना है। जैसे मैं आपको शुरू में बताया कि आपको देखना है कि डाइनिंग के लिए रखना है या क्या करना है, डाइनिंग का मतलब कि बैठ के हमें खिलाना है। तो देखिए जनरली कोई भी रेस्टोरेंट होता है तो वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन ये दोनों रखते हैं। ठीक है आप चाहें तो सिंपली वेजिटेरियन भी रख सकते हैं या नॉन वेजिटेरियन भी रख सकते हैं या दोनों रख सकते हैं, डिपेंड करता है। ठीक है ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका मेन्यू भी डिसाइड हो जाएगा, पनीर का अलग हो गया आपका, यहाँ नॉन वेज का अलग आपका मेन्यू हो गया। तो बेसिकली मेन्यू पे हमें ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि सारा खेल मेन्यू और टेस्ट का है। ठीक अच्छा टेस्ट रहा, बढ़िया मेन्यू रहा, तो पब्लिक आपके यहाँ आएगी और आपका रेस्टोरेंट भी चलेगा। ठीक है तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट भी चाहिए होते हैं या मतलब ऐसे खोल सकते हैं। और सर हमारे स्टॉल में भी क्या कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ता है लाइसेंस वाइसेंस का? बिल्कुल, ये जी बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने किया कि जी डॉक्यूमेंट लगेगा कि नहीं, क्योंकि 90% मैं लोगों को देखता हूँ कि लोग खुद ही ऐसे खोल के बैठ के चला रहे हैं, और बाद में कोई भी लोकल अथॉरिटी उनको परेशान करता है, जैसे फूड इंस्पेक्टर आ गया, जी
या लोकल में कोई भी नगर निगम का कर्मचारी आ गया या कोई पुलिस वाले भी आके आपको परेशान कर सकते। अब वो बेसिकली परेशान नहीं करते, वो कानूनन कार्रवाई करते हैं और आपको लगता है कि आप परेशान हो रहे हैं। तो इससे बचने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप डॉक्यूमेंटेशन पूरा कीजिए। आप चाहे रोड साइड स्टॉल ओपन कर रहे हैं, चाहे आप रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं, या आप रेस्टोरेंट में ऑनलाइन भी बेचेंगे, जोमेटो स्विगी में आप भी बेच सकते हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं फूड से रिलेटेड काम, तो सबसे पहला नंबर जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो लगेगा आपका FSSAI का लाइसेंस, यानी कि फूड लाइसेंस। ठीक है, फूड लाइसेंस के अलावा दूसरा हो गया आपका बिजनेस का रजिस्ट्रेशन। अगर आप सिंगल पर्सन आप रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको एक ही डॉक्यूमेंट लगेगा, वो है हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन। जैसे आपके केस में भी सेम लगेगा, तो एक हो गया आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन और दूसरा हो गया आपका FSSAI का लाइसेंस। नेक्स्ट हो गया, अगर आप दुकान में ओपन कर रहे हैं कोई भी काम, दुकान का भी रजिस्ट्रेशन होता है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में, रजिस्ट्रेशन वो भी हम करवाना होगा। रेस्टोरेंट है आपका तो फायर एंड सेफ्टी का लाइसेंस भी एक लेना पड़ता है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। रोड साइड में अगर आप ओपन कर रहे हैं तो आपका FSSAI और उद्यम से ही काम आपने किया और आपके दिमाग में भी यही क्वेश्चन आ रहा होगा। देखिये, अगर आप कोई भी बेसिक रेस्टोरेंट आप ओपन करने के लिए जा रहे हैं तो कम से कम आपको 10 लाख से लेके 15 लाख के आसपास में खर्चा जा सकता है और डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए आपका रेस्टोरेंट का लोकेशन अलग है, रेस्टोरेंट का आपका स्पेस ज्यादा है, तो ज्यादा से ज्यादा सीटिंग कैपेसिटी आप रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप चीजों को उसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो ये जो मैं प्राइसिंग बता रहा हूँ आपको, ये जो बजट में बता रहा हूँ 10 से 15 लाख, ये हो सकता है 20 लाख पहुंच जाए। लेकिन शुरुआती टाइम में कोशिश करना चाहिए कि बहुत ज्यादा हाई फाई बजट में नहीं जाना चाहिए। लाइक वाइज अगर आप स्टॉल का ओपन कर रहे हैं तो आपके केस में भी अगर मैं बजट की बात करूँ स्टॉल के लिए, रोड साइड जो भी ओपन करें, तो इसमें हार्डली आपको 3 लाख से 5 लाख रुपए का आपका खर्चा है। ये भी मैं आपको बहुत एल फैल से खर्चा बता रहा हूँ। आपका काम है कि ज्यादा से ज्यादा खर्चा को कंट्रोल करें। लेकिन सर 3 लाख तो बजट हमारे पास है नहीं, तो इसके लिए क्या करें? सर हमारे पास भी 15-20 लाख रुपए तो है नहीं। अब आप ये बताओ कैसे करके हो पाएगा, कुछ क्या व्यवस्था है सर इसके बारे में, तो कुछ हम लोग सोल्यूशन दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अगर आप रेस्टोरेंट का काम करना चाहते हैं तो भारत सरकार का एक स्कीम है, उसका नाम है मुद्रा स्कीम। मुद्रा स्कीम के तहत आपको किसी भी टाइप का बिजनेस के लिए, रेस्टोरेंट ही नहीं, आप कपड़ा का दुकान खोल रहे हो या आप साइकिल का दुकान खोले, मोटरसाइकिल का, कुछ भी ABCD आप काम कर रहे हैं, मुद्रा स्कीम में आपको 20 लाख तक का सरकार लोन दे रही है। 20 लाख तक का और रोड साइड बिजनेस करने के लिए भी आपको मिल जाएगा छोटा लोन। तो सर ये करेगा कौन लोन और कैसे करके हमें मिल पाएगा, हमारे बारे में सर जानकारी भी नहीं है ना, इसका डॉक्यूमेंट हम लोगों के पास है, इसके लिए क्या करना? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही जायज क्वेश्चन है आपका। देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ेगा। तो जो मैंने आपको बेसिक शुरू में डॉक्यूमेंट बताया वो तो लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा एक मेजर डॉक्यूमेंट लगता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। बिना प्रोजेक्ट रिपोर्ट के कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गया, MSME का रजिस्ट्रेशन हो गया, फूड लाइसेंस हो गया, अगर आपका दुकान में है तो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन हो गया। ये सारा डॉक्यूमेंट लेकर आपको जहां भी आप ओपन कर रहे हैं वहां की सरकारी बैंक में आपको जाना है। जी सरकारी बैंक में जाइए और आप लोन के लिए अप्लाई करें। बैंक आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगी, सब कुछ देखने के बाद, आपका हर चीज चेक करने के बाद आपको फाइनली लोन वो प्रोवाइड कर देगी। तो सर हम ये जानना चाहते हैं ये डॉक्यूमेंट है वो कौन तैयार करके देगा हमारे लिए? हाँ ये तो एक समस्या है सर, क्योंकि अगर मान लीजिए हम लोग डॉक्यूमेंट के लिए कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो फर्जीवाड़ा का भी डर रहता है, चाहे लोग पैसा ले लेते हैं डॉक्यूमेंट तैयार के नहीं देते हैं, कहते हैं कि भी आपको बना के दे देंगे, तो उसमें भी इससे भी हमको बचना है सर। बिल्कुल बिल्कुल, आपका ये एकदम जायज है समस्या। बेसिकली आप किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट आप बनवाना चाहते हैं तो आप उसके लिए विजिट कीजिए myprojectreport.com पर। इसका लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा मैं, नंबर भी मैं आपको दे दूंगा और आप लोग लेते हुए जाइएगा, आप जो भी हैं आप लोग अपना लेकर डॉक्यूमेंट जाइएगा। इसी टाइप का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है, ठीक है, ये लगभग 20 से 25 पेज का प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है, सारा डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और हमारी जो कंपनी है myprojectreport.com, इसका पूरे ऑल ओवर इंडिया में लगभग 10 से 15 ब्रांचेज ओपन हो चुके हैं, फ्रेंचाइजी ऑफिस 15 ब्रांचेज आपको ओपन है। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, और अपनी कंपनी का नाम ये है myprojectreport.com। और इसके अलावा अगर मान लीजिए कि आपके स्टेट में नहीं है, अगर आपके स्टेट में नहीं है तो भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी सर्विसेज ऑनलाइन भी प्रोवाइड कराती है और पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे सर्विसेज देती है। आप ऑफिस नहीं भी विजिट करेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है,
क्योंकि हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है, भारत सरकार के थ्रू रजिस्टर्ड है, ठीक है, जो कंपनी का नाम है प्रिसार्ड बिजनेस सर्विसेज LLP, एक रजिस्टर्ड कंपनी है और उसी कंपनी का ब्रांड नेम है myprojectreport.com। तो एक रजिस्टर्ड कंपनी है, ISO सर्टिफाइड है, MSME पे रजिस्टर्ड है, वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, और क्या चाहिए आपको, हर चीज का हम आपको गारंटी देते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर हम बना रहे हैं तो हम आपको टाइमली देंगे और सही डॉक्यूमेंट बनाकर देंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो सर हम लोग तो मान लीजिए यहाँ पे हैं आपके यहाँ, तो हम लोग तो यहाँ से मान लीजिए ट्रस्ट कर सकते हैं जी, आप यहाँ पे आपके पास हम लोग आए हुए हैं, अगर कोई बाहर से देख करके कोई स्टार्ट करना चाह रहा है, ठीक है, वो कैसे आपके पर ट्रस्ट करे, कैसे विश्वास करे? बिल्कुल, मैं वही बताना चाह रहा था कि हमारी जो कंपनी है इसके बहुत सारे ब्रांचेज ओपन हो चुके हैं और भी ओपन हो रहे हैं धीरे धीरे कर, और ये एक रजिस्टर्ड कंपनी है, वेबसाइट है प्रॉपर, यूट्यूब चैनल है, ISO सर्टिफाइड है, MSME का रजिस्ट्रेशन हुआ है, ट्रेडमार्क है, तो इतना सारा जो ट्रस्टेड ब्रांड होता है ये वही करता है। इसके अलावा हमने इंडिया में अभी तक पिछले 5 से 10 सालों में लगभग 6,000 से ज्यादा क्लाइंट को हमने सर्व किया और प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही हमने सबसे ज्यादा दिया हुआ है, बाद बाकी रजिस्ट्रेशन लाइसेंस है तो रोज चलते रहता है। ओके, तो आपको कोई भी तरह की सर्टिफिकेट है क्या है? हाँ, ये सारा सर्टिफिकेट है, ये हमारे वेबसाइट पर भी आपको दिख जाएगा, सब कुछ आप लोगों को क्लियर हो गया? जी सर, सब तो क्लियर हो गया। इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर ही आप कोई भी फूड का बिजनेस कीजिए, और आप लोग भी किसी भी स्टेट से हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको हम सर्विसेज देंगे और 100% गारंटी के साथ देंगे। आपके अगर स्टेट में हमारा ऑफिस है तब तो आप चाहे तो विजिट भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, नहीं आप जाना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपको काम वैसे ही मिलेगा जैसे ये लोग सामने बैठे हैं, उसमें 1% का भी अंतर नहीं आएगा। आप कहीं भी हैं, स्क्रीन पर दिए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल दे दूंगा, आप वहां से भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।